Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कनाडा की स्पेशल फोर्सेस बाहर से इंटेलिजेंस मशवरे लेती हैं। इंटेलिजेंस माहिर कहते हैं कनाडा की अफवाज अमरीकी मदद के बगैर मजीद मिशंस की तैयारी कर सकती है। लिबरल हुकूमत आइंदा हफ्ते अपना रद्दशुदा एजेंडा पेश करेगी। टोरंटो माशी तहफ्फुज़ को महफूज तरीके से दोबारा शुरू करने के वादे से पीछे हटने लगे। कनाडा ताहाल तेज रफ्तार कोविड टेस्टिंग डिवाइसेस तैनात करने के लिए तैयार नहीं है। वजीर सेहत कहती हैं कनाडा अपने अदाद शुमार पर इनहिसार करेगा। टोरंटो की मस्जिद में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले निगरा के जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मकतूल की बेटियां और अहलखाना जनाजे पर जारों कतार रोते रहे। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,39,747 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,74,612 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,45,818 हो गईं। अमरीका की दो रियासतों में आंधी और तूफान, 5,00,000 अफराद बिजली से महरूम। पेंसाकोला में बास मुकामात पर पानी कई फिट तक खड़ा हो गया। अमरीकी हाउस पैनल ने तैयारा हादसा तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि बोइंग 737 मैक्स तैयारों के हादसा किसी एक नाकामी, तकनीकी खराबी और बद इंतजामी का नतीजा नहीं थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कैनेडियन रेकनासिस प्लाटोन और लैंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नीशियन, जो कि बाकायदा रेगुलर फोर्स का हिस्सा है, निगरानी के तरीके कार पर अमर पैरा हैं और इंटेलिजेंस मुशीर की तलाश में हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की स्पेशल फोर्सेस बाहर से इंटेलिजेंस मशवरे लेती है। इंटेलिजेंस माहिर कहते हैं कनाडा की अफवाज अमरीकी मदद के बगैर मजीद मिशंस की तैयारी कर सकती है। इसका मकसद मुमकिना तौर पर आला तरबियत याफ्ता खसूसी अफवाज के हिस्से को इत्तेहादियों, खास तौर पर अमरीकियों पर कम इन्हिसार करना है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में वफाकी हुकूमत की वेबसाइट पर तजावीज़ के लिए दरख्वास्त शाये की गई थी, जिसमें सीनियर इंटेलिजेंस मुशीर के लिए पेशकश तलब की गई थी, जिससे मौजूदा इंटेलिजेंस मनसूबों के नफाज और मुस्तकबिल की सलाहियतों के डिजाइन पर अमल और मदद की तवक्कु की जाएगी। नए मुशीर पर इंटेलिजेंस, निगरानी और तहकीकाती अमल के अलावा सलाहियतों के क्याम की रहनुमाई में मदद फराम करने की जिम्मेदारी आयद होगी। तजावीज़ की दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नए मुशीर से तवक्कु की जा सकती है कि वह इत्तेहादियों के दिगर इंटेलिजेंस खिदमात के साथ मिलकर काम करेंगे। माहिरीन ने कनाडा की जामियात से मुतालबा किया है कि वह हसास तहकीक तक चीन की रसाई बंद कर दें। ख्याल रहे कि लिबरल हुकूमत ने 3 साल कबल फौजी सलाहियतों को तकवीत देने का अहद किया था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो माशी तहफ्फुज़ को महफूज तरीके से दोबारा शुरू करने के वादे से पीछे हटने लगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो माशी तहफ्फुज़ को महफूज तरीके से दोबारा शुरू करने के वादे से पीछे हटने लगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के अरकान ने वसी पैमाने पर साफ सुथरा माहौल और ज्यादा मुस्तहकम मईशत का वादा किया था। तहम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वबाई बीमारी के दौरान कैनेडा के शहरियों को महफूज रखने पर तवज्जो मरकूज रखे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत 23 सितम्बर को अपने रद्दशुदा एजेंडे का खाका पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने इशारा दिया कि हुकूमत की फौरी तवज्जो अवामी सेहत के बहरान को संभालने पर मरकूज है, क्योंकि मुल्क भर में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है। ट्रूडो का कहना था कि उन्हें वबाई मर्ज के दौरान इलेक्शन कनाडा में वोट का इंतजाम करने की सलाहियत पर एतमाद है, लेकिन वो अभी इलेक्शन नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कनाडा वाले इंतखाबात चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि कैनेडियन सियासतदान उनकी खिदमत के लिए मिलकर काम करें, उनके बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करें और इन्हें इस कोविड बहरान के दौरान महफूज रखें। उन्होंने कहा कि कैनेडियन इस मौसम खजा में इलेक्शन नहीं चाहते।
कैनेडियन वजीर सेहत का कहना है कि कैनेडा ताहाल तेज रफ्तार कोविड टेस्टिंग डिवाइसेस तैनात करने के लिए तैयार नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर सेहत का कहना था कि हेल्थ कैनेडा अभी तक तेजी से कोविड 19 टेस्ट आलात के लिए किसी भी ऑप्शन पर नजरसानी करने वाले इख्तियारात से मुतमईन नहीं है और जब तक ये आलात खास मयार पर पूरा नहीं उतरते इस वक्त तक उन्हें मुल्क भर में तैनात नहीं किया जाएगा। जबकि अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने महीनों कबल ही दो टेस्टिंग डिवाइसेस की मंजूरी दे दी थी। वो टेस्ट जो 15 मिनट से भी कम वक्त में नतायज पेश कर सकते हैं। हेल्थ कैनेडा इस तरह के टेस्टों पर अपनी मंजूरी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ऐसे अमरीकी आलात की मंजूरी को मुस्तरद करते हुए कहा कि कैनेडा अपने आदादोशुमार पर इन्हिसार करेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ कैनेडा में किसी ऐसे इम्तिहान की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो किसी भी तरह से कैनेडा की सेहत को खतरे में डाल सकता हो। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हेल्थ कैनेडा पर आलात की मंजूरी के लिए दबाव इसलिए बढ़ता है कि कोविड टेस्टिंग आलात को मंजूर किया जा सके। वजीर सेहत का कहना था कि वो माहिरीन के एक पैनल की खिदमत हासिल करेंगी ताकि वो आलात की हिकमत अमली के हवाले से हुकूमत की मदद करे। टोरंटो की मस्जिद में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले निगरा मोहम्मद असलम के जनाजे में अहले खाना और रिश्तेदारों के अलावा सैकड़ों लोगों की शिरकत। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की मस्जिद में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले निगरा के जनाजे में अहले खाना और रिश्तेदारों के अलावा सैकड़ों लोगों की शिरकत। मकतूल मोहम्मद असलम के जनाजे पर बेटियां, अहले खाना और अहबाब सारो कतार रोते रहे। जनाजे के शुरका ने 58 साल मोहम्मद असलम को नरम मिजाज के नाम से याद किया। मोहम्मद असलम के रिश्तेदारों का कहना था कि मरहूम बहुत रहमदिल शख्सियत थे। वो गरीबों की मदद करते और भूखों को खाना खिलाकर खुश हुआ करते थे। वो किसी के लिए भी मनफी सोच नहीं रखते थे। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल टोरंटो की मस्जिद के निगरा पर छुरियों का वार करके कत्ल किया गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात में मसरूफ। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,193 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,39,747 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,193 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 65,857 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,738 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,383 तक पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,822 है। अल्बर्टा में 16,128 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 254 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7,498 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 219 है। कोरोना वायरस की मूजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खून खुआर पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके ना सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,74,612 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,45,818 हो गई। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 2,01,366 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 68,28,698 हो चुकी है। 1,38,00,000,000 से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से 83,257 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 51,22,846 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,34,174 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 44,21,686 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 19,061 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,85,281 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 4,859 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया है, जबकि यहां 3,44,264 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,369 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,27,551 तक जा पहुंची है। अमरीका की रियासतों फ्लोरिडा और अलबामा में आंधी और तूफान के सबब 5,00,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। बास मुकामात पर 5-5 फीट पानी खड़ा होने के सबब लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका की रियासतों फ्लोरिडा और अलबामा में आंधी और तूफान के सबब 5,00,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। बास मुकामात पर 5-5 फीट पानी खड़ा होने के सबब लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। तूफान सैली ने अमरीका की रियासत फ्लोरिडा और अलबामा के कई इलाकों में लोगों को मुतासर किया है। पेंसाकोला में बास मुकामात पर पानी कई फीट तक खड़ा है, जहाँ एक पुल को भी नुकसान पहुँचाया है। अलबामा में 130 किलोमीटर/घंटा रफ्तार से चलने वाली आंधी के सबब दरख उखड़ गए और सड़कों पर पानी खड़ा होने के सबब ट्रैफिक के भी मसाइल सामने आ रहे हैं। फ्लोरिडा में 2,25,000 और अलबामा 3,00,000 अफराद बिजली से महरूम है। इससे पहले रियासत मिसिसिपी के कई इलाकों को भी तूफान का सामना था।
साल 2018 और 2019 में 346 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले बोइंग तैयारों के हादसे, तैयारा साज कंपनी बोइंग के इंजीनियर्स की नाअहली, बोइंग इंतजामिया की लापरवाही और फेडरल एविएशन की गफलत का नतीजा थे। अमरीकी हाउस पैनल ने तैयारा हादसा तहकीकात की रिपोर्ट पेश कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। साल 2018 और 2019 में 346 अफराद की हलाकत का सबब बनने वाले बोइंग तैयारों के हादसे, तैयारा साज कंपनी बोइंग के इंजीनियर्स की नाअहली, बोइंग इंतजामिया की लापरवाही और फेडरल एसोसिएशन की गफलत का नतीजा थे। अमरीकी हाउस पैनल ने तैयारा हादसा तहकीकात की रिपोर्ट पेश कर दी। 18 माह की तहकीकात के बाद हाउस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की रिपोर्ट में बताया गया है कि बोइंग 737 मैक्स तैयारों के हादसा किसी एक नाकामी, तकनीकी खराबी और बद इंतजामी का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये बोइंग इंजीनियर्स के मुसलसल गलत तकनीकी अंदाजों, बोइंग इंतजामिया की जानिब से शफाफियत में कमी और फेडरल एविएशन की गफलत हादसों का सबब बनी। सन 2018 में इंडोनेशिया तैयारा हादसे में 179 अफराद, जबकि 2019 में एथोपिया के हादसे में 157 अफराद हलाक हुए थे। दोनों हादसा के बाद बोइंग 737 मैक्स तैयारों को मार्च 2019 में ग्राउंड कर दिया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.